सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 13 पढ़ेंगे। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भजन संहिता 13 में देखते हैं कि जब परमेश्वर का दास संकट में होता है तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? यानी कि यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हम पे कोई विपत्ति आ जाए, हम पे कोई संकट आ जाए, तो हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, क्या परमेश्वर तू मुझे सदैव भूला रहेगा? तू कब तक मेरे से मुखड़ा छिपाए रहेगा? मुझ पे दया कर, मैं संकट में हूँ, मुझे इन परेशानियों से, इन विपत्तियों से मुझे छुड़ा ले। आयत 2 में देखेंगे, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? यहाँ वचन कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं? मैं कब तक ईश्वर, मैं कब तक अपने हृदय में दुखित रहूं? कब तक मैं अपने आप से परेशान रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पे प्रबल रहेगा? वह कब तक मुझ पर विजय पाता रहेगा? आयत 4 में पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। यहाँ वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, यानी कि उस पे मैंने विजय पा ली है, मैं जीत गया हूँ, क्योंकि वह परमेश्वर पर, उसका विश्वास परमेश्वर से हट गया है। और ऐसा ना हो कि मैं डगमगाने लगूँ तो मेरा शत्रु मगन हो, यानी कि जब मैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाऊँ, मेरी आशा टूट जाए। परमेश्वर का दास कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूँ तो वह मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। यहाँ परमेश्वर का दास कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है, और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरा हृदय तो इस बात से मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि मेरा उद्धार हो चुका है। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद हमारा उद्धार हो जाता है। तो यहाँ परमेश्वर का दास भी कहता है कि मैं तो इस बात से मगन हूँ कि मेरा उद्धार होगा। आयत 6 में पढ़ेंगे, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तो परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई संकट आ भी जाता है तो हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने कोई ताड़ना हमें दी भी है तो वह है हमारी भलाई की है, क्योंकि परमेश्वर ना तो कभी छोड़ता है ना ही कभी त्यागता है। परंतु हमें इन ताड़नाओं को, इन विपत्तियों को, इन संकटों को एक तरफ रखते हुए हमें उस दिन को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारी भलाई की है। हम कहाँ थे और कहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया और परमेश्वर ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि हम दुखों में थे, हम परेशानियों में थे, संकटों में, कलेशों में थे, कोई मार्ग हमें नज़र नहीं आता था। वह स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जिसकी हम संतान हैं, वह हमारी चिंता करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की भलाइयों को, जो परमेश्वर ने हमारे साथ की हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि आज आपके जीवन में दुख हैं तो उन दुखों को ना देखें मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को देखें। क्योंकि यदि हमारे जीवन में कोई ताड़ना आई है तो हमारी गलतियों की वजह से आती है। कोई ना कोई हमने ऐसा काम किया है जो हमारे जीवन में संकट आया है, कलेश आए हैं। इसलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सिखाता है, बढ़ाता है, हमें दुखों से निकालता है, कलेशों से निकालता है, संकटों से निकालता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।